बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से भाई मैं लाइव हूँ आपके साथ और आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अपडेट भाई ये है कि जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूँ, सऊदी अरब में ट्रैफिक वायोलेशन के जुर्मानों में रोज़ ब रोज़ इजाफा ही किया जा रहा है। और कुछ भाई ऐसे तरीके रोज़ ब रोज़ नए तरीके, जैसा कि मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी कि भी अगर आप अभी गाड़ी में अपने नाबालिग बच्चों को अकेला छोड़ेंगे, चाहे आपने गाड़ी भाई फिर वो कहीं पार्क ही की हुई है, तो भाई आपको भाई 300 से 500 रियाल का जुर्माना हो सकता है। ये वीडियो भी मैंने आपके साथ एक दो दिन पहले ही शेयर की थी। तो भाई ये एक नए, हालांकि इससे पहले इस चीज का जुर्माना नहीं था, लेकिन अभी ये भी बढ़ा दिया गया है। अभी मैं आपके साथ एक और जुर्मानों की जो डिटेल है वो शेयर कर देता हूं, जो कि अभी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट की जा रही है। तो भाई वो ये है कि अगर आप रोड पर गाड़ी चला रखे हैं और यानी कि एक ट्रैक है आपका, आप अपने ट्रैक में नहीं जा रहे हैं, भाई अगर आपको मैं बात बताता चलूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बड़े ट्राले जो होते हैं ना, लोडर ट्राले होते हैं जो ये सामान लेके जाते हैं खासकर सुपरमार्केट वगैरह का, वो मैंने अपनी आंखों से देखा है उनको कि 5-7 ट्राले ऐसे खड़े हुए हैं लाइन से, तो जेल के लिए बंदी अंदर उनको जेल की हुई है 24-24 घंटे की। क्यों, किस लिए? मैं भी उस जेल में गया था क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसा वकूआ हुआ था, तो मैं जेल के अंदर, मुझे जेल तो नहीं हुई थी, लेकिन जब मैं गया उधर थोड़ी डिस्कस हुई तो पता चला क्या सूरत हाल है। तो बताऊँगा वो क्या, वो जो भी ट्राले वाला फर्स्ट ट्रैक जो होता है सऊदी अरब में, आपको आप सब भाई को पता है 3-3 ट्रैक होते हैं रोडों के ऊपर, फर्स्ट ट्रैक से जैसे ही क्रॉस करता है अपने से आगे वाले ट्राले को, दूसरे ट्रैक में जाता है या तीसरे ट्रैक में जाता है, उसी टाइम भाई अगर कोई मरूर वाला या खसूसी वाला उसे देख लेता है तो उसे उसका ट्राला भी 24 घंटों के लिए बंद कर दिया जाता है और वो बंदे को भी 24 घंटे के लिए जेल कर दी जाती है और इसके अलावा फाइन किया जाता है। तो भाई ये न्यूज़ जो है, अगर आप अभी, वो तो ट्राला था ना, अगर अगर आपके पास अभी छोटी गाड़ी भी है ना भाई, आप छोटी गाड़ी चला रहे हैं, छोटी गाड़ी में कहीं आ जा रहे हैं, तो छोटी गाड़ी अगर आप अपने ट्रैक से हटाकर या तो दरमियान में जहां पर आपको पता है वाइट कलर की लाइन लगी होती है उसके ऊपर जा रखे हैं, या नीचे वाला ट्रैक छोड़कर दूसरे ट्रैक में जा रखे हैं बिला वजह, तो हालांकि आपके आगे कोई चीज़ ना हो, तो पीछे आपके भाई गाड़ी को एक या दो है वो कभी इस तरफ आप रास्ता नहीं दे रहे हैं, तो भाई इस चीज़ को अगर पुलिस ने देख लिया या किसी सऊदी ने भी आपकी वीडियो बनाकर किसी पुलिस वाले को दिखा दी ना, आपकी नंबर प्लेट वगैरह शो हो रही हो उसमें, तो भाई आपको 500 रियाल जुर्माना है। ये 300 से 500 रियाल जुर्माना रखा गया, मैं शायद आपको पिक्चर भी दिखा रहा हूँ साथ में, तो भाई 500 रियाल डेफिनेटली जुर्माना किया जाएगा आपको इस चीज़ का। तो सऊदी अरब में भी ट्रैफिक वायोलेशन के कवानीन हैं जो उनको भाई काफ़ी सख्त किया जा रखा है। जो मेरे ड्राइवर भाई हैं वो थोड़ी मुख्तात करें, खासकर कैमरों के, आपको पता है कैमरे जो कैमरों के ऊपर भी कैमरे लगा दिए गए हैं, तमीम नहीं है तब आपको कैमरा लग जाता है, हाई स्पीड है तब आपको कैमरा लग जाता है, हालांकि कैमरों के जुर्माने भी काफ़ी ज़्यादा अभी हो गए हैं। तो अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।